सर सारे सिक्योरिटी चेक हो चुके हैं, नीचे का सेक्शन अभी मैंने चेक किया है और ऊपर के सेक्शन में फाइनल चेक कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज ओके सर, आप बोर्डिंग के लिए बुला सकते हैं। ओके सर। वेलकम मैम। ओह थैंक यू काजल। काजल दिस वे मैम। या वेलकम सर। या थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट काजल, रियली स्वीट। वेलकम सर। या दिस वे, दिस वे। या गुड मॉर्निंग मैम। नाइस दिस वे। वेलकम मैम, मैं यहीं पे हूँ आकाश। हाँ, मैं तो बस कर्टसी के लिए थैंक यू बोल रहा था। इतनी कर्टसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। नारा यार तुम्हारा ये प्लेन ना बहुत खूबसूरत है। तारा तू कितनी लकी है बेब्स, हम तुम्हारे प्राइवेट प्लेन पे हैं। इसने सो कूल, आई मीन सीरियसली तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये ट्रिप, ये प्लेन, इट्स ग्रेट, बट मुझे ना इसी बात की खुशी हो रही कि यार फाइनली गेट टू स्पेंड अलोन टाइम विद पापा। जब से मेरी माँ हमारी लाइफ में आई है ना, तब से पापा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ओह माय स्वीट बेबी कम। स्वीट मैं? लेकिन कुछ देर पहले तो कोई और स्वीट थी ना। वेलकम सर। इट्स ओके। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दिस वे। थैंक्स। हेलो। लेट्स अरेंज गेट टुगेदर फॉर देम। या आई विल कम सून। हाय आकाश। हाय विनी। Hello, Mrs. Rao. How are you, beta? हमारे बीच 5 साल का ही फर्क है। प्लीज अगली बार मुझे बेटा मत बुलाना। उमर? ये उमर कहाँ से बीच में आ गई? मैंने तुम्हारे पापा से शादी की है तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें मुझे माँ ही बुलाना पड़ेगा ना। Never. पापा, इसी साथ आकर आपने मेरा ट्रिप रून कर दिया। चुप रहो तारा, वो तुम्हारी माँ है। गुस्सा मत करो, बच्ची है। Just give her some time. Sir, madam, we are ready to take off. Please be seated and fasten your seat belt. Thank you. तारा की तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। तुम ठीक तो हो ना? लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है, वरना तारा मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी ना करती। शायद मुझे इस ट्रिप पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम्हारे बिना ये ट्रिप कैसे होता दादी? ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। डोंट वरी, गिव इट सम टाइम।
सब ठीक हो जाएगा। ये हुई ना बात। Just give me a second, I'll just come. अरे कहाँ जा रहे हो? I just need to get a drink for myself. Lovely. मेरा मतलब ये range. Best of all the foreign brands. Can I serve this champagne? I think I will have vodka. Sure. Honey. चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपना ड्रिंक ले लेता हूँ। अरे ये लोग ले आएंगे ना, चलो ना प्लीज। क्या है, व्हाट इज दिस? चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है? चलो चलो बैठो तो सही। स्वीटी वीडियो प्ले करना। क्या Welcome to the show, Mrs. Rao. Thank you. क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। आपने इतने बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर राव से शादी की है, इज ही रोमांटिक? और अब तक उन्होंने सबसे रोमांटिक चीज क्या की है? वो बहुत ही रोमांटिक हैं। हाल ही में उन्होंने मेरे लिए एक प्राइवेट जेट खरीदा है और इसमें हम दोनों पूरी दुनिया घूमने जाएंगे। अब इससे ज्यादा रोमांटिक बात और क्या हो सकती है? ये खबर तो हम सबने सुनी है। आई होप आपका ट्रिप बहुत अच्छा रहे। Wish you all the good luck for your trip and your married life. Thank you so much. अब तक आपने मिसेस राव की जेट खरीदने की बात सुनी। हमने ये भी सुना है कि इस प्लेन में एक बहुत डरावना हादसा हुआ था। और तो और, उस हादसे में कोई जिंदा नहीं निकल पाया था। पर प्लेन को कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे। Anyways, moving on to the next news. अब हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की टॉप 5 मूवीज कौन सी है। ये रिपोर्टर्स भी अब एक सिंपल से इंटरव्यू को एक हॉरर स्टोरी बना देते हैं। सीरियसली? ये क्या हुआ? I'll check. हाँ देखो, पुराने इजिप्ट के लोग मरे हुए लोगों को कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया करते थे। ऐसी दफन करी हुई लाशों को ममी कहते हैं। पहले इजिप्ट की गुप्त गुफाओं में जमीन के कई फुट नीचे एक गुप्त संदूक मिला। उसमें ममी की लाश भी मिली। ऐसा माना जाता है कि कुछ प्रभावशाली लोग उस ममी को एक प्राइवेट जेट के द्वारा एक खुफिया जगह पर ले जा रहे थे। बीच यात्रा में वो जेट अचानक रडार से गायब हो गया। गायब हो गया और जब वो पाया गया तो उसके सारे पैसेंजर्स मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि यात्रियों की मौत की जिम्मेदार वो मम्मी ही थी। I'm sorry, but आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये रिपोर्टर किसी घटिया हॉरर फिल्म की स्टोरी बता रहा हूँ? क्या पता। यात्रियों की मौत का जिम्मेदार वो मम्मी था। बिल्कुल। तूने सुना वो रिपोर्टर क्या कह रहा था? कितना फनी था ना? नहीं, मुझे फनी लगा, मेरे पसीने छूट गए। सुनिए कहीं वही वाला प्लेन तो नहीं है? कम ऑन सृष्टि, प्लीज ग्रो अप। तू अभी भी रिपोर्टर के बारे में सोच रही है? इतने सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, इतना काम पड़ा है, लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ जॉब। ओके
Be careful, guys. Tara. Hey, guys. Tara. Hey, guys. Be careful, guys. Okay. Calm down. Hey, Bini. Come on up. ऊपर आओ। बिनी ओके ना तो ठीक है ना। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। तुमने देखा वहाँ पर कुछ था क्या? हाँ तारा तुमने देखा ना वो ममिता। यहाँ पे कुछ नहीं है बिनी। कुछ भी नहीं है जस्ट रिलैक्स ओके जस्ट रिलैक्स। यस रिलैक्स ब्रीथ ब्रीथ। ओके बेबी। बिनी कुछ नहीं है यार। इट्स ओके ऑल ओके एवरीथिंग ओके सर। या डू यू नीड वाटर? आई एम सॉरी। अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर। आई विल गेट सी को गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। श्योर आई विल बी बैक। थैंक यू। हे बिनी, शायद ये थी तुम्हारी मम्मी। शट अप आकाश। ये सब क्या है डैड? क्या ये सब न्यूज रिपोर्ट्स ये सब सच है क्या? कम ऑन तारा, तुम जानती हो मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। आई नो बट ये छोटी बात तो नहीं है ना तारा? तुम एक एडुकेटेड लड़की हो और तुम इन सब फालतू बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? अपने डैड से कुछ सीखो। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि औरों की बातों में दखल नहीं देते? तारा, behave yourself. एक सेकंड, आओ। Come with me. आओ मेरे साथ। तारा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोचो। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम ना ये प्यार करने का नाटक बंद कर दो। ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो ना ही पापा से। तुम बस पापा के पैसों से प्यार करती हो। ओह, तो अब मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आए गई। अब क्या होगा? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे पापा से उनके पैसों के लिए शादी की है। बदतमीज। तारा तारा व्हाट इज दिस यार? व्हाट्स रॉन्ग? आकाश तुम इस औरत को जानते नहीं हो। अरे मगर तुम चलो यहां से चलो चलो चलो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, आर यू ओके? आई एम फाइन। तुम जाके तारा को समझाओ। तुम चलो अंदर चलो। नहीं आई एम फाइन, मैं जाके ऊपर रेस्ट करूंगी। आर यू श्योर? तुम जाओ। तारा मैम वो सेक्शन बंद है, आप उधर मत जाइए। ये मेरा प्लेन है, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। यू गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब मी। मैम टिश्यूज। कर रही हो यार ये? क्या था ये? तारा, you have to understand. तुम्हारे पापा ने शादी की उससे। हाँ क्या? ये मगर तुम लोग नहीं जानते उसे यार। तारा क्या चल रहा है ये? How are you behaving? पापा please not now, बाद में बात करेंगे। This is we need to talk. Please not now, हम लोग बाद में बात करेंगे। Alright, बाद में बात करेंगे। Please का ख्याल।
तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली हूँ। अच्छा नंबर तारा, यहाँ आने से पहले ना मैंने एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग निकाला था, तो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें अभी सुनवा दूँ। मुझे नहीं सुनना। अरे सुनना है तुम्हें। तारा, I must warn you, तुम्हें नहीं सुनना तो फिर हाँ, मैं सुन लेती। हाँ मैं इसको सुनवा देता हूँ। सुनो, बताओ। अरे बताओ ना, लगाओ इसको। इसकी माँ की और मेरी होने वाली माइंड लॉक ही होगी। It's not funny, guys. It is funny. कुछ खा लो। तुम्हें पता है? मैंने एक बुक में पढ़ा था। ये जो इजिप्शियन मम्मीज होते हैं ना, इनका कर्स बहुत डेंजरस होता है। इंडियन मम्मीज का भी बहुत डेंजरस होता है। Correct. तारा, come on. Just pray कि मम्मी वाली बात true ना हो। Okay. I have a question. Pray इजिप्शियन में करना या हिंदी में भी चलेगा? आज के लिए क्या है आपके पास? I'll have nothing. I'll have this. Actually मुझे भी ना बहुत डर लग रहा है। हाँ मैंने इजिप्शियन मम्मीज के बारे में पहले से सुना हुआ है ना, इसलिए जब से हम इस प्लेन में एंटर हुए ना, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? वहाँ पर कोई था? आप बेचारे को क्यों डरा रहे हो? सॉरी, ये लड़का ना थोड़ा पागल है। सॉरी। थोड़ा नहीं, पूरा पागल है ये। अरे अरे, चाकू, अच्छे चम्मच। Srishti, yeah? Can you help me? I need your help. Sure. I'll just come. I was just kidding, okay? But be careful. क्या यार? तारा, listen. Jokes apart, I feel तुम्हें किसी और से भी माफी मांगनी चाहिए. कौन? तुम्हारे डैड? Yeah. I mean, God, yeah. जो भी गुस्सा है, Mrs. Rao के साथ है. Yeah. Bini, stop it, please. Oh, come on, यार. Just बात करो ना एक बार. Please. देखो प्लीज, तुम अपने डैड के साथ अपना रिलेशन मत खराब करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट्स हो। लाइफ इज टू शॉर्ट बेब्स। प्लीज कम ऑन, डू इट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। फाइन, गो 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 गो। गुड गर्ल बेबी, गुड, सुपर। हां सही कहा तुमने, लाइफ इज टू शॉर्ट। अगर आप एक प्लेन में हो और एक इजिप्शियन मम्मी के साथ।
कबूतर सर सारे खुल गए जिससे कबूतर तो सारे बंद हैं अब अभी सारे खुल गए थे मुझे लगा आप अपने बीवी को पर आप तो किसी और काम में लग गए और मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए आप जानते हैं ना कि आपकी बीवी इसी फ्लाइट पे है अगर वो मेरी जगह होती तो सोचो क्या होता एक्चुअली कुछ नहीं होता क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ हो और क्या कर रहे हो माइंड योर टंग तारा मैं यहाँ पर खाने का पता करने आया था मेरी इसे लेके जाओ प्लीज हाँ अंकल खाने का क्या हुआ चल डिनर रेडी करते हैं आ जा पर वो मिसेस राव ऊपर गई है तो मैं चेक करके आती हूँ तू रहने दे मैं जाती हूँ अदरवाइज तुझे फिर से कुछ बोल देगी और वैसे भी मिस्टर राव तो चाहते हैं ना कि तू ही डिनर सर्व करे चल जाके चेक करके आ वॉशरूम में हो क्या कम ऑन मैं तुमसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डैड मुझे आपसे बात नहीं करनी है तुम भी सो डिफिकल्ट तारा मुझे आपसे बात नहीं करनी तारा बस भी करो अब ये खाना क्यों नहीं लगा अभी तक बेब्स यू आर ओवर रिएक्टिंग ऐसी हरकत क्यों कर रही हो क्या हो गया मुझे क्या होगा तुम्हें क्या हो गया तारा यू बीइंग अ पोर मैंने सोचा था कि हमारी ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होगी पर देखो तो क्या चाहते हो तुम प्राइवेसी चाहता हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा सा और वक्त गुजारना चाहता हूँ अकेले में ओह कम ऑन देखो ये प्लेन कितना बड़ा है कितनी सारी जगह है यहाँ पर और देखने वाला कोई है नहीं हमें ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा आओ You are crazy. अरे इसमें क्रेजी क्या बात आओ ना पापा ना प्लेन का दरवाजा खोलेंगे और फेंक देंगे तुम्हें भी और मुझे भी तुम्हारे पापा डोंट वरी तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं एक तो घर वाली में और दूसरा प्लेन वाली में खाना क्यों नहीं तैयार हुआ अभी तक सॉरी सर मैं सृष्टि का ही वेट कर रही थी आई जस्ट नीड सम हेल्प बट मैं सर्व करती हूँ सर बस हो गया सृष्टि को मेरी बीवी नहीं रोक के रखा होगा और मेरी बुराई कर रही होगी उससे दीज वुमेन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड देम मगर तुम सबसे अलग हो मुझे अपने बारे में बताओ सर शर्माओ भाई यहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे सर मैं डिनर रेडी है आप बैठ जाइए मैं सर्व कर देती हूँ यू नो यू आर रियली स्वीट आई विल मेक श्योर कि इस बार प्रमोशन के साथ साथ तुम्हें एक अच्छा बोनस भी मिलेगा ओके सर आप जाके बैठ जाइए ना मैं डिनर सर्व कर देती हूँ सृष्टि कम कम हे कहाँ जा रहे हो तुम लोग कहीं नहीं बस यहीं पे
फट्टू। फाइन, तुम बताओ क्या करूं मैं? देखो, तुम जाओ टॉयलेट के पास, मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, किसी को कोई शक नहीं होगा। जा। अरे जाओ ना, जाओ जाओ। कहाँ जा रही हो? पार्क में सैर करने। अब इस आलिशान प्लेन में मैं कहाँ जाऊंगी? बाथरूम जा रही हूँ। ठीक है, वापस आते वक्त अपनी मम्मी को लेते आना। तारा, मैं भी आती हूँ। आइए ना सर। You know what? अब तुम जाओ और मॉम को बुलाओ। What? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह है ना? वैसे भी तुम चाहती हो कि मैं उसे माफी मांग लूं। इतना कंसर्न है तो जाओ, मॉम को बुला लो। तारा, पागल तो नहीं हो गई है? नहीं, और ना ही मैं जा रही हूँ उसे बुलाने। He is believe you, my friend, जाके बुलाओ उसे। But मैंने तुझे बताया ना, मुझे भी लू जाना है। हाँ तो ऊपर चले जाना ना, वैसे भी तुम्हारी फेवरेट आंटी वहां पे है। गो। मिसेज राव, आप यहाँ हैं? मिसेज राव, मिसेज राव, आप यहाँ हैं? मिसेज राव, आप ठीक तो हैं? ओपन द रूम। तारा, नाइस, काफी बड़ा है ये तो। इतना चला क्यों रहे थे और इतना टाइम क्यों लगाया? अरे वो नीचे तुम्हारी डैड का प्लेन, बहुत अजीब है यार।
सॉरी सर, मैं बाद में आती हूँ। इट्स ओके काजल, आने की कोई जल्दी नहीं है। कम सर। नहीं सर, मैं ड्यूटी पे हूँ। जब तुम्हारे बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सिट डाउन। यू नो काजल, तो एक बहुत ही मेहनती लड़की, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड यू आर वेरी प्रिटी एज़ वेल। कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? सर आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी, मैं उन्हें बुलाकर लेके आती हूँ। उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएगी। सर वो मैं डिनर सर्विस शुरू करती हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ डिनर सर्विस खत्म कर लो, उसके बाद तुम भी फ्री हो जाओ। हाँ मैं दूसरों को बुला के लेके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लेट्स सेलिब्रेट, वेयर्स माय शैंपेन? आई थिंक वो दूसरे ट्रॉली में काजल। तारा बिनी
मिस्टर राव सर जल्दी जाओ कुछ हुआ होगा मिस्टर राव मिस्टर राव तुम्हें काम करो तुम ऊपर जाओ पायलट को अलर्ट करो मैं दूसरों को देखता तुम जाओ जाओ गॉड बिनी 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 हाँ बिनी बिनी कहाँ तुम बिनी Yeah.